हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू यू ऑल इन माय टुडेज वीडियो। एंड आज के वीडियो में यहाँ पर स्टार्टिंग होगी कोडिंग थ्योरेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट से। मतलब मुझे कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आई थॉट कि इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए एंड कुछ नया सीखा जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स देख रही थी, मैं काफ़ी दिनों से देखती हूँ, सो उसी के थोड़े नोट्स बना लेती हूँ, वन पेज या टू पेज उस डेट के अकॉर्डिंग। मुझे याद रहे कि हाँ, इस दिन मैंने ये पढ़ा है। अगर कोई गड़बड़ हुई या मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आगे प्रैक्टिस करने में कोडिंग में, प्रैक्टिकली करने में कोडिंग को, सो आई कैन गो थ्रू दिस नोट्स। सो दिस इज दैट ओनली। वैन आपको भी अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो यू कैन ट्राई टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट। बहुत ही अमेजिंग होते हैं आपके, आप मन जब भी आप फ्री हो, यू कैन चेक आउट दीज वीडियोज टू। बहुत हेल्पफुल होते हैं पढ़ने में और नई चीज़ें सीखने में। सो ये यहाँ पर मैं मैथ्स बना रही थी। मैथ्स का अभी मैं कर रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब से ही। मीन्स जो भी क्लास 11th में मैथ्स होती है, उसके लिए बेसिक जो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो क्या क्या होनी चाहिए। आई जस्ट गॉट अ प्ले लिस्ट, आई थॉट टू वॉच इट, मीन्स अपने टाइम के हिसाब से। यहाँ पर अभी इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चन कर रही हूँ। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट अभी कुछ दिनों से रेगुलरली करने से थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनक्वालिटी क्या होती है एंड ऑल, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो यस, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड एवरीबडी शुड लर्न न्यू थिंग्स। और ये कॉन्सेप्ट सच्ची पहली बार समझ नहीं आता है, मुझे भी थोड़ा सा आता है, थोड़ा उसके बाद नहीं समझ आता, मैं वीडियो बंद कर देती हूँ, कुछ और देखती हूँ या कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ या कुछ और करती हूँ। सो थोड़ा सा मैंने सोचा इसको भी देख लूँ और रिकॉर्ड कर लूँ। दिस वॉज ओनली अबाउट इट। एंड इसी के साथ साथ क्वेश्चंस करने से माइंड भी खुलता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। दैट फिर मैंने लंच किया, पानी पिया, मैंने खिचड़ी खाई। देन केमिस्ट्री में यहाँ पर मैं जो टॉपिक पढ़ रही हूँ वो है मोरालिटी। इसके क्वेश्चंस कर रही थी एंड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से वन थिंग, इस क्वेश्चन बहुत टेढ़े होते हैं, पहली बार देख के तो माइंड घूम जाता है। इवन दो मेरा भी नहीं काम कर रहा था, बट फिर भी आई थॉट लगाई हूँ तो कुछ देख लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा लेक्चर ही सुनना है मुझे, पूरा का पूरा समझ ही आ जाना चाहिए, थोड़ा सा समझ में आ जाए, उसी को लिख लेना है और कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करना है। पहली बार में चीज़ें थोड़ी समझ आती है अच्छे से, बट यस रेगुलरली लगे रहना है। सो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी एक क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन केमिस्ट्री अभी तक मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मीन्स जो मैं पढ़ती हूँ खुद से यूट्यूब से, सो मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगा, फिजिक्स भी अच्छा लगा। आप इसे कॉन्सेप्ट समझते हो ना, देन अच्छा लगता है, नहीं समझते हो नहीं अच्छा लगता है, तो ये चलते रहता है कि हाँ नहीं समझ आ रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। बट फिर भी एक मैं सोचती हूँ रोज कम से कम एक क्वेश्चन तो कर लूँ, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन मुझे आज के अच्छे लगे, थोड़े माइंड लगाने वाले थे, जैसे हम लोग 10th में पढ़ते थे मैथ्स के क्वेश्चन के, खुद से माइंड लगाओ और सॉल्व करो, वैसे टाइप के केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, तो मैं वही कर रही थी। एंड इसी बीच और भी चीज़ें ही मैंने, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर, वो आई एम श्योर नेक्स्ट वीडियो से करूँगी। एंड देन ये खाई मैंने, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।